दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे जेबी एंड सेबी मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जेबी 2023 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन डेट आउट हो चुका है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन किस दिनों में करना है, एग्ज़ाम डेट क्या होगा। दोस्तों आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कब रजिस्ट्रेशन करना है, एग्ज़ाम डेट कब है, और आपकी आपके पास लगभग 2.5 महीना बचा हुआ है, तो इस 2.5 महीने में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्या मैं सभी सब्जेक्ट के साथ एक साथ जाऊं या केवल 2 सब्जेक्ट को एक बार करूं, बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि उन सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहले पहला सवाल का जवाब देता हूं दोस्तों कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो आपको मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या डिटेल है। तो फ्रेंड्स देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है वो आपको 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक नॉर्मल एग्जामिनेशन फी रजिस्टर करना है IIBF के साइट पर, ठीक है। 8 मार्च से 14 मार्च तक दोस्तों नॉर्मल एग्जामिनेशन फी प्लस ₹100 आपको एक्स्ट्रा लगेगा, और 15 मार्च से 21 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नॉर्मल एग्जामिनेशन फी प्लस ₹200 आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अब यदि एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 7 मई को आपकी पहली परीक्षा होगी इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की, 13 मई को आपकी दूसरी परीक्षा होगी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की, 14 मई को आपकी तीसरी परीक्षा होगी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर, और 21 मई को आपकी चौथी परीक्षा होगी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों आपको पता ही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट आपको यदि क्वालिफाई करना है JIB तो एग्रीगेट आपको 200 मार्क्स लाना होगा और 45 प्लस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट में 45 आ गया, एक सब्जेक्ट में आपको 55 आ गया, एक सब्जेक्ट में आपको 50 आ गया, 80 आ गया, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे क्योंकि आपका एग्रीगेट क्या है, 200 है, लेकिन ये आपका एक ही अटैम्प्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बेसिक सा फंडा है कि आप एक अटैम्प्ट में 200 मार्क्स लाइए, देन यू विल कंसिडर्ड क्वालिफाई। तो पहला चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े, और 4 सब्जेक्ट हैं आपके सामने। अब दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो फ्रेंड्स क्या हमें सब 4 सब्जेक्ट को एक साथ लेना चाहिए या केवल 2 सब्जेक्ट को लेना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 200 एग्रीगेट का जो फॉर्मूला है ना, वो तभी आप हेल्प ले सकते हैं इसका जब आप एक अटेम्प्ट में 200 मार्क्स लाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, देखा गया है बहुत बार कि कुछ लोगों का एक पेपर में 50 से कम आ जाता है और फिर वहीं फेल कर जाते हैं वो। तो आप ये सोच के मत एग्जाम दीजिए कि हम इस बार 2 ही पेपर निकालेंगे, अगले बार 2 पेपर देख लेंगे। इस तरह में क्या होता है कि जब पेपर का लेवल थोड़ा टफ कर देगा ना, तो आप वो 50 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि ये जो 200 एग्रीगेट का कंसेप्ट है इसको आप यूज करें। दोस्तों जैसा कि पता है कि केवल 2.5 महीना बचा है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो मैं उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। देखिए दोस्तों, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, और मई में आपका परीक्षा है। फरवरी भी समझिए कि आधा फरवरी ही आपके पास है, कुल मिलाकर 3 महीना है आपके पास। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, जैसे AFM जो हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग है, इसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद दोस्तों आप PPB आपका RBWM और IFS, इसको आप नेक्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि 2 सब्जेक्ट को 1 मंथ में कंप्लीट कीजिए, और 2 सब्जेक्ट को 1 मंथ में कंप्लीट कीजिए, और लास्ट 15 डेज को आप क्या कीजिए, रिविजन पर्पज से कीजिए। दोस्तों यदि आपको क्विक नोट्स, दोस्तों आपकी रणनीति ऐसी इस तरह होनी चाहिए कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद दोस्तों आपके पास कॉन्साइज नोट्स होनी चाहिए रिविजन पर्पज के लिए, आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, MCQ प्रैक्टिस के बाद आप रिवाइज करेंगे, ये आपका साइकिल होगा हर एक चैप्टर के लिए। सबसे पहले आपके पास कंसाइज नोट्स होगा तो आप उसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आपके पास MCQ के लिए बुक होंगी, उसे आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपके पास क्विक रिविजन सेशन के फॉर्म में PDF होगा जिसे आप रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों यदि आप इन तीनों मेथड में, यही सक्सेस का सिंपल सा की है कि आपको ये तीनों स्टेप को फॉलो करना है, यदि आप इन तीनों स्टेप के लिए हमारा चैनल गाइड लेना चाहते हैं, दोस्तों मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली हमने 4 सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे RBWM हो, IFS हो, PPB हो, अकाउंटिंग हो। हम लोग दोस्तों पहला आपको कंसाइज नोट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको रिविजन में भी शॉर्ट नोट्स रहेगा, तुरंत आप रिवाइज कर लेंगे। दूसरा चीज़, आपको MCQs प्रोवाइड किया जाएगा हर एक यूनिट का, ताकि सारा MCQs 2000+ MCQs होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी MCQ से आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हर एक पेज के मैक्विलन बुक के हर एक पेज से MCQs को फ्रेम किया गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि मैं क्विक रिविजन भी आपको करवा दूंगा। तो आपका जो तीनों रिक्वायरमेंट है, तीनों प्री रिक्विजिट है अपने एग्जामिनेशन के लिए, कंसाइज नोट्स, MCQ प्रैक्टिस एंड रिविजन, ये तीनों आपका फुलफिल होगा,
आपको इन तीनों प्लान में। तो प्लान का क्या कॉस्ट है, तो वीडियोस प्लस पीडीएफ ₹500 है, पीडीएफ ₹200 है और 10% ऑफ है यदि आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ परचेज करेंगे। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑल दीज स्टडी नोट्स। लेकिन दोस्तों एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी मटेरियल फॉलो करें, लेकिन दोस्तों एक सिंगल सोर्स फॉलो करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ दोस्तों अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में कि कुछ लोग यहाँ से पढ़ लिए, कुछ लोग वहाँ से पढ़ लिए, ऐसे में नहीं निकलेगा आपका जेईई। आपको एक सिंगल सोर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो सिंगल सोर्स को ट्रस्ट कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरा सोर्स लें या किसी और का सोर्स लें या मैकमिलन बुक को पढ़ें, बट एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। 2.5 महीना 3 महीना सफिशियंट है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी जेईई अच्छा आसानी से क्लियर हो। धन्यवाद।